प्रेज लॉर्ड, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मत्ती 5:9 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेल करवाना, मेल मिलाप करवाना, भाइयों के बीच में, रूठे हुए रिश्तेदारों के बीच में, उन दोस्तों के बीच में जिनके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, माता पिता के बीच में, बाप बेटे के बीच में, उन रिश्तों को जोड़ना जो किसी न किसी वजह से टूट गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, धन्य है वे जो इस प्रकार के रिश्तों को जोड़ते हैं। धन्य है वे जो दो लोगों में हो रखे झगड़े को, जो दो लोगों में हुए मन मुटाव को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो ये प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में जो मन मुटाव है वो मन मुटाव ख़त्म हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी के भी बीच में हो। झगड़े करवाना, लड़ाई झगड़ा करवाना, मन में किसी के प्रति नफरत रखना, किसी के प्रति मन में बुराई रखना, ये सब कुछ शैतान की ओर से है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, अगर आपके दिल में किसी के लिए घोर नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, अगर आप कोई ऐसा है आपके जीवन में जिससे आप बात नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन में आप कभी उसकी शक्ल ना देखें या कभी आपको उससे बात ना करनी पड़े, कभी आपको उसके पास ना जाना पड़े, तो याद रखिए ये भावना शैतान की ओर से है। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी इंसान दिया जलाकर उसको खाट के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको ऊपर रखता है, दीवार में के उसमें रखता है, दीवार पर रखता है, ऊंची जगह पर रखता है जहाँ से कि आज सब लोगों को रोशनी पहुँचे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रकाश है तो वो प्रकाश संसार के ऊपर चमकना चाहिए, आपके आसपास के लोगों पर चमकना चाहिए, हर एक उस इंसान पर चमकना चाहिए जिसे आप जानते हैं, जो किसी भी तरह से आपके संपर्क में है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप वचन के आधार पर नहीं चल रहे हैं। और प्रकाश चमकने का अर्थ क्या है? प्रकाश चमकने का अर्थ ये है कि मेल मिलाप करने वाला जो स्वभाव है, प्रेम करने वाला जो स्वभाव है, जो कि परमेश्वर का स्वभाव है, वो हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसी स्वभाव को हमें लोगों के साथ शेयर करना है, हमें संसार के साथ और अपने संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करना है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसने हमारे विरोध में कितना ही बुरा किया हो, चाहे उसने हमारे विरोध में कितना ही बुरा बोला हो, चाहे उसने हमारी चुगलियाँ की हो, चाहे उसने हमारा बहुत नुकसान किया हो, उसके बाद भी वचन हमें सिखाता है माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा, ठीक है। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अगर कोई ऐसा है जो आपसे नाराज़ है, कोई जो ऐसा है जो आपसे रूठा हुआ है, तो परमेश्वर आपका वचन आपसे कहता है कि आप तब तक उसके साथ बात करें, तब तक कोशिश करें उससे वापस से बात करने की, जब तक आपके बीच में जो मन मुटाव है वो मन मुटाव ख़त्म ना हो जाए। हर वो इंसान जो आपसे नाराज़ है या जिससे आप नाराज़ हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप उससे बात करें, क्योंकि आपके अंदर प्रकाश है, आपके अंदर प्रेम है, और वो प्रेम आपके द्वारा ही दूसरे इंसान तक पहुंचेगा। जो इंसान आपसे गुस्सा है, जिस इंसान ने आपका बुरा किया, जब आप वापस उसको गुस्से के बुराई के बदले जब आप उसे प्रेम देंगे, तो वो इंसान हैरान होगा, वो बोलेगा कि मैंने तो इसका बुरा किया है लेकिन ये मुझे प्रेम कैसे कर रहा है। उस वक्त आपके पास गवाही देने का सही मौका होगा, आप बोलेंगे मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, और इसी की अगुवाई में, इसी बात की अगुवाई में मैं आपसे प्रेम कर पा रही हूँ, और आप चाहे मेरे कितना बुरा करें, मैं हमेशा परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपके साथ बांटता रहूँगा, बांटती रहूँगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हर एक उस इंसान को जिसने आपके विरोध में बुरा किया उसे माफ़ करें, हर एक जो आपसे नाराज़ है उसे वापस से सुलह करें, हर एक जो आपसे दूर है उसे संपर्क करें, उनसे बात करते रहें, बार बार बात करते रहें, उस वक्त तक बात करते रहें जब तक कि आपको मौका ना मिले उनको सुसमाचार सुनाने का और उनकी आत्मा को झपट कर नर्क की आग से बचा लेने का। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।